क्या चल रहा है ये कौन सवाल कर रहा है शाज मसूद से मैच फिक्सिंग का है? पाकिस्तान में क्या फिर हमें ये दिन देखने पड़ेंगे ये 90s वाले मैच फिक्सिंग। चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी चीफ का फरमान, बयान देने पर होगा बुरा अंजाम। पाकिस्तानी कप्तान शाज मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें पाकिस्तान टीम में मैच फिक्सिंग चल रही है भाई, मैच फिक्सिंग। बीसीसीआई आईसीसी ने बांटा पाकिस्तान। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलें खत्म होने की नाम नहीं ले रही। चेयरमैन पीसीबी ने मना कर दिया है पीसीबी के किसी भी ऑफिशियल को कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई बात न की जाए। पाकिस्तानी रेड बॉल टीम के कप्तान, 10 महीने से हमने क्रिकेट नहीं खेली, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे हम, फायदा उठाएंगे, एक प्रूवन स्टाफ है जेसन गिलेस्पी, कहां पे प्रूवन है? और भाई उसका तो कोई तरह से तल्लक ही नहीं है, जो अपना गैरी क्रिस्टन है वो तो व्हाइट बॉल का कोच है, उसका किधर ले आया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने एक गैग ऑर्डर, जी हां, चुप रहने का फरमान जारी किया है। क्या ये काम इंडियन क्रिकेट बोर्ड कर सकता है? हरगिज नहीं। जब भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पूछा जाए तो पूछते हैं हम अपनी हुकूमत से पूछेंगे। इसे बताएगा ये इशू उठा कब था, और हमने सबसे पहले इसको एड्रेस किया था कि ये इशू उठा क्यों, और वो उठा था दूसरी जगह पे, पाकिस्तान के ऊपर नहीं उठा था। कमाल हो गया यार उस बच्चे ने, अगर गलती से उसके मुंह से ये निकल गया कि मैनेजमेंट ने उसको एतमाद दिया है कि भैया तुम जो है टेस्ट टीम के अब कप्तान हो, और 9 टेस्ट जो पाकिस्तान इस साल खेलेगा उसकी कप्तानी तुम करोगे, तो मतलब ये हजम ही नहीं हुआ किसी से। जान बूझ कर उस बंदे को भेजा गया है के भाई तू जाके मैच फिक्सिंग का सवाल कर। अबे वो जो जिनसे तुमने सवाल करने चाहिए वो तो नतिया गली में अलल्ले तलल्ले करे। तो नुकसान है मेरा ख्याल है इसमें, और इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और ये मैं कोई अपने आप से कोई हवा से उड़ी बात आपको नहीं बता रहा, ये बात शान मसूद जो पाकिस्तान की रेड बॉल का कप्तान है उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात ये क्वेश्चन किया गया। और आपने वैसे भी यूट्यूब के ऊपर ये देखी होगी कि पाकिस्तान टीम में मैच फिक्सिंग हो रही है और किसी को नहीं पता। आप बताओ यार, पाकिस्तान में तीन चीज ज्यादा मशहूर है, वसीम अकरम की स्विंग और पाकिस्तान की हवाबाजी करना कि हम वर्ल्ड चैंपियन टीम है, और तीसरा मैच फिक्सिंग। और वहीं पे पाकिस्तान में कितने बार मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं, इतने सारे प्लेयर फंसे हुए हैं मैच फिक्सिंग के, इनके कोई ना कोई मैच फिक्सिंग में आ ही जाता है। अब शान मसूद जो पाकिस्तान के नए कैप्टन है टेस्ट टीम के, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की टीम में मैच फिक्सिंग होती है, इस तरह के सवाल पूछे गए कि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम में मैच फिक्सिंग होती है अभी भी, तो शान मसूद ने जवाब दिया कि मैं जिस टीम का कप्तान हूं टेस्ट मैच का रेड बॉल का, उसमें तो मैच फिक्सिंग नहीं होती। मतलब इस चीज को किस वे में ले, शान मसूद जिस रेड बॉल के कप्तान है उसमें मैच फिक्सिंग नहीं होती, पर व्हाइट बॉल में मैच फिक्सिंग होती है पाकिस्तान की टीम में। वही चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है 2025 में, वो भी कंफर्म नहीं है। तो आईसीसी इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि अगर पाकिस्तान की टीम का नाम आ गया मैच फिक्सिंग में भाई इस कुछ मैनू में, तो चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग राइट भी छीन सकती है पाकिस्तान से, क्योंकि जहां मैच फिक्सिंग होती है वहां पर भाई तगड़ा इवेंट नहीं कराया जा सकता। दुनिया भर की टीम आती है, दुनिया भर के लोग आते हैं वहां पर अपनी टीम को चीयर करने, और जिस टीम में और जिस देश में मैच फिक्सिंग के आरोप लग जाएंगे उस देश में इतना बड़ा इवेंट कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान में तो अभी भी वैसे कंफर्म नहीं है चैंपियन ट्रॉफी का। दूसरा, ऐसे ऐसे बयान आ गए, ऐसे आरोप लग गए मैच फिक्सिंग के, तो चैंपियन ट्रॉफी होना तो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। पाक मीडिया को भी इसी बात का डर लग रखा है कि अगर मैच फिक्सिंग में किसी का नाम आ गया तो आईसीसी बड़े सख्त कदम उठाएगा। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। तो पाकिस्तान टीम की देखें, पाकिस्तान टीम हमेशा से अगर फिक्सर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान का नाम आता है। ये बड़ी एक मेरे लिए बुरी बात है पाकिस्तानी, कि जब भी फिक्सर्स की बात की जाएगी पाकिस्तान टीम का नाम आएगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम आएगा। पाकिस्तान में फिक्सिंग चलती है, और ये आज से नहीं है, ये बड़े पहले से है। और अब तो पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन किया गया कि आप किस तरह देखते हो कि पाकिस्तान टीम में जो मैच फिक्सिंग चल रही है। आप अंदाजा लगा लो, कप्तान से क्वेश्चन किया गया, और इधर मेरे घंटे का जो कुछ फैन है ना वो पता कहते हैं बॉप्सी बड़ी अच्छी कप्तानी करता है। तो भाई रेड बॉल फॉर्मेट में फिक्सिंग नहीं चल रही, व्हाइट बॉल में चल रही है। जिधर आपका ये ना दुम्बा, ये घंटा कप्तान है जिधर आपका, उधर मैच फिक्सिंग चल रही है। और मैच फिक्सिंग क्या भाई, बहुत बड़ा गर्व हुआ पड़ा हमारा, टीम में लड़ाइयां चल रही हैं, डिसिप्लिन की मां बहने की हुई है इन्होंने, हर चीज उन्होंने आगे पीछे कर दी हुई है। और कप्तान शान मसूद ने, भाई मुझे नहीं पता, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि मेरे फॉर्मेट में मैच फिक्सिंग चल रही है, और मैं इस करंट टीम में जो जिसकी कप्तानी मैं करता हूं उसमें ऐसा कोई नहीं है। तो भाई इनडायरेक्टली उस बंदे ने यही बोला ना कि भाई मेरे फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट का मैं कप्तान हूं ना उसमें कोई फिक्सिंग नहीं चल रही। ये घंटे के किंग से क्वेश्चन करो कि ये फिक्सिंग उसके फॉर्मेट में जिसमें वो व्हाइट बॉल का कप्तान है उधर फिक्सिंग चल रही होगी।
और आप अंदाजा लगा लो, अब ये बात ना कोई झूठ तो नहीं ना बोल रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाईजान, जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया है, और भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर एक घंटे का लाइव ठोका है कि भाई फिक्सिंग चल रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान टीम में मैच फिक्सिंग हो रही है, पाकिस्तान टीम में उल बुला की हरकतें हो रही हैं, मतलब आप बाज नहीं आए मैच फिक्सिंग करने से, तो अपने भाइयों को लेकर अपने खानदान को लेकर वहां पे घूम फिर रहे हैं यार। अभी बात सुने, पाकिस्तान का जो लास्ट टूर था सऊद शकील की डबल सेंचुरी वाला नहीं, उससे पहले वाला श्रीलंका, जिसमें ये अब्दुल्ला शफीक और बाबर ने नसीम के साथ टेस्ट जितवाया, जिसमें यासिर शाह खेला आखिरी टेस्ट सीरीज और करुणा रत्ने ने रिवर्स स्वीप मारा, जिसमें हमने शक्का इजहार किया था। अबे तूने यासिर शाह से कभी पूछा कि तेरे पर जो इल्जाम लगा हुआ है लड़की का वो ठीक है या गलत है? तेरा दोस्त था कोई फरहान नामी है, पीछे पीछे मामला तो बात करो, उसमें शान मसूद था क्या? अबे अगर आप व्हाइट बॉल में वो तुम लोग अगर रेड बॉल में अपनी दुकान नहीं चमका पा रहे तो सवाल करवा रहे। श्रीलंकन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इन्वाइट किया अपने बोर्ड को के भाई आईसीसी को बोलो एलेक्स मार्शल की टीम को के तहकीकात करे एंटी करप्शन। ये अब्दुल्ला शफीक ने थर्ड मैन पे 73 रन सिंगल कर करके बनाए गए थे, कैसे बनकुंडा रत्न ने स्वीप मारते हुए चुतिया पे का चोट खेल के आउट कैसे हुआ? चांद सफेद कपड़ों का कप्तान है, जिसका मतलब ये है कि इस पे कोई दाग नहीं है। तुमने शान के दामन को दागदार करने की कोशिश की है, जबकि असल दागदार तो साला अभी तक चुप क्या बैठा है, अरशद तदीम को लेने तक नहीं गया। निकाल तुम्हारी ऐसी की तहदी साले, सारे घंटे के फैन और घंटे के केक, उस बच्चे ने गलती से बोल दिया उसकी कप्तानी में हारता पाकिस्तान हमेशा है, उसकी कप्तानी में भी हारा, लेकिन जो मेलबर्न टेस्ट में उसने जितना करीब किया, अगर कोई जाली किंग 50 कर देता पाकिस्तान ने उड़वाता, लेकिन रन तो होने नहीं है, तेज पिच पे रन नहीं होने। बात खोल के अगर क्रिकेट की मालूमात ले लो तो लानत के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। अबे ये एजेंडा साज कंपनियां, साया का साला सवाल करने वाला आदमी, ये गया कैसे? और उसका बाबर खड़ा हुआ वो आदमी जो मीडिया मैनेजर था, उसने उसकी सजरिश क्यों नहीं की? बिल्कुल उसका चूतोड़ा में दे रहे थे डंडे 2-3 धक्के के, भैया ये सवाल करने के लिए आया तो जी हाँ बिल्कुल यही बात। एक साल बाद पाकिस्तान टेस्ट खेलने के लिए जा रहा है, वो एक साल से नजर नहीं आया शान है, उसको तुमने तस्लील कर दी, तुमने उसकी ये बोल के उससे सवाल क्या कर रहे हो? अबे वो जो 4 साल लालन बरसा के गया उसको पकड़ो, वो किधर है? हम 10 महीने से नहीं खेले, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, ये लड़कों से हम फायदा उठाएंगे, 9 मैच हम ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे। ये भी तो बता, 9 में से 2 सिर्फ साउथ अफ्रीका से है, बाकी 3 इंग्लैंड फिर ठोक देगा, बांग्लादेश से जीत सकते हो, वेस्ट इंडीज यू नेवर। तो बता रहा कि जी कभी आपको ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ती है ड्रॉ के लिए, है जी? और इनसे पूछा गया कि कोई प्लेयर आपकी मर्जी से लिए गए हैं, फरमा रहे हैं वो मैनेजमेंट जो होती है बड़ा बूस्ट होता है, बड़ा ये होता है, बड़ा वो होता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। अरशद नदीम पे कह रहा है पहले वो हीरो था पूरे मुल्क का, हम उसकी तरह की परफॉर्मेंसेज देने की और मुल्क और कौम को खुशी देंगे। तुम नहीं दे सकते, तुम में हिम्मत ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है, अग्रेसिव क्रिकेट की बात ही नहीं की। इंग्लैंड में काउंटी, ओ भाई उस काउंटी में कौन सा बड़ा प्लेयर खेलता है ये बता, और तुझे हादसाती तौर पर इस्लामाबाद से, क्योंकि तेरे अबू जान और चचा जान FPR में थे, माल पानी का चक्कर था, कोई एक भी आप वो देख ले सवाल जवाब, 3-4 सवाल हुए, एक भी सवाल का सही तसल्ली बख्श सवाल भी क्या हो रहे हैं, बस ऐसा ही है, एक वो अरफा फिरोज ने कर दिया, एक वो जायद फरूक मलक ने कर दिया, एक PTV के जिशान है उन्होंने कर दिया, एक INP के हैं उन्होंने कर दिया, ये 4-5 सवाल हुए हैं और जवाब इतने ठुस है, एक भी तगड़ा। हाँ वो साउथ स्कील हमें मिला, हमें पॉजिटिव मिली, हमें क्या मिला? तुम 8 में से कितने मैच जीते? जो पाकिस्तान में 3 ऑस्ट्रेलिया, 3 इंग्लैंड और 2 न्यूजीलैंड से क्या जीते? तो एक मैच नहीं जीते। उन्होंने सवाल किया कि जी हाँ जी ये टीम में जो ग्रुपिंग चल रही है, ये चल रही है, मैच फिक्सिंग के भी मतलब कोई बातें आ रही हैं, ये क्या कहानी चल रही है, तो अभी टेस्ट में ये वो। खैर शान मसूद ने कहा कि मैच फिक्सिंग वगैरह तो कहानी कोई नहीं है, बाकी उसने मतलब यही कहा कि जी मैं किसी की नीयत पर शक तो नहीं कर सकता, ये वो सारा मैच जीतने के लिए खेलते हैं, अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं, और इस तरह थोड़ा मतलब ये बात की, और टेस्ट टीम अच्छा खेल रही है, आगे 9 मैच आने वाले हैं, अभी पाकिस्तानी सीजन में 9 मैच खेलने हैं, जिसमें से 7 उन्होंने घर में खेलने हैं, अभी 2 बांग्लादेश से, फिर 3 वेस्ट इससे इंग्लैंड से, और 2 वेस्ट इंडीज़ से, और 2 इन्होंने जाके साउथ अफ्रीका खेलना है। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अभी बहुत मतलब यहाँ तो कई कई साल बीत जाते हैं तो पाकिस्तान तो मतलब 9-10 मैच नहीं खेलता, तो ये अभी आने वाले 6-8 महीनों में पाकिस्तान ने, बल्कि 6-8 से भी काम रह गया, 5-6 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने 9 टेस्ट मैच खेलने हैं। और जहाँ तक बात है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, अच्छी बात है कि हर कैप्टन को सोचना चाहिए कि टॉप 2 में फिनिश करने के लिए, तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक तो नज़र आ रहे हैं जनाब शान मसूद साहब के, हाँ जी हम करेंगे कमाल और धमाल और हम जाके टॉप 2 पोजिशन को नज़र में रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए पढ़ना जीतना पड़ेगा मेरी जान जी,
तो वो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। और अभी कप्तान भी आप हैं, बाकी टेस्ट का ठीक है, टीम अच्छी लड़ाई ऑस्ट्रेलिया में, अब यहाँ पे बेहतर खेलना पड़ेगा। और बांग्लादेश की टीम बीच बीच में थोड़ा सरप्राइज कर सकती है, ज़रा इनसे जीतना भी बड़ा ज़रूरी है दोनों ये वाले मैच। तो अभी तीन चार टीमों के साथ मैंने अभी आपको बताया सीरीज़ है, तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश जो है अभी एट द मोमेंट 8वें नंबर पे है, वेस्ट इंडीज़ 9वें नंबर पे है, तो इन दोनों ने आना है पाकिस्तान, तो दो दो मैच इनके हैं, तो कम से कम ये वाले तो जीतो। फिर इंग्लैंड वाली तो बात चलो देखेंगे जब इंग्लैंड आएगा,